गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गैलेंट सरिया के मालिक चंद प्रकाश उर्फ चंदू के आवास की बाउंड्री में स्थित स्वीपर आवास के सामने बनी बाउंड्री के बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चों के क्रिकेट का बाल बंद बाउंड्री के अंदर चला गया, जिसको देखने के लिए अरविंद कुमार पुत्र संतराज चौहान उम्र 18 वर्ष निवासी जप्ती टोला विकास नगर थाना गोरखनाथ मैदान की छोटी बाउंड्री पर खड़ा होकर अंदर झांक रहा था कि तभी गैलेंट सरिया के मालिक चंद प्रकाश उर्फ चंदू बाबू के पर्सनल गार्ड बॉडीगार्ड ने संदीप कुमार सिंह मूल निवासी रायबरेली ने अपनी दो नाली बंदूक से निशाना लगाकर गोली मार दी, जो अरविंद के कनपट्टी पर लगी और वो वहीं गिर गया। गोली चलने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल अरविंद को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ PGI रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल अरविंद चार बहन और दो भाइयों में छोटा है। घायल ने इसी वर्ष 12वीं कक्षा पास करने के बाद सब्जी की दुकान चलाता था और पूरे घर का भरण पोषण करता था। मौके पर CO गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, CO कैंपियरगंज दिनेश सिंह के साथ गोरखनाथ चिलुआताल शाहपुर व तिवारीपुर पुलिस मौजूद रही और स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO क्राइम प्रवीण कुमार सिंह और SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, कौन है? चंदू भाई। उनकी क्या है वो? कौन से लगते हैं? कोई रिश्तेदार लगता है कि बॉडीगार्ड है उनके? मुंह पे लगा होगा इसमें भगवान का थोड़ा ऐसा भगवान ऐसा सब अच्छा ऐसा नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है। लखनऊ में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मतलब व्यक्तिगत हम लोग के अपने संबंध हैं, सबसे बात हो गई है। आप देखिएगा एकदम सुरक्षित है। आप लोग यहाँ से जाइए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तहरीर हम लोग कल भी दे देंगे। आप लोग कोई जरूरत नहीं, मतलब तहरीर आप हमको अभी देना चाहें अभी दे सकते हैं। आप थाने में दे दें, आप उसको आराम से लिख लीजिए। एक फायरिंग की घटना हुई है जो प्रथम दृष्टया देखा गया है, जैसा कि लोगों का कहना है, ये विनोद चौहान नाम का लड़का है, 16-17 वर्ष जिसकी उम्र बताई जा रही है। ये बाउंड्री वाल पे चढ़ा था और ऐसा कहा जा रहा है कि चंदू अग्रवाल जी जो यहाँ अब गैलेंट के ओनर हैं, उनके ठीक है निजी और पर्सनल सुरक्षा कर्मी ने उस वक्त वहाँ पर मौजूद था और मतलब उसके द्वारा फायरिंग किया गया और मैंने उसको चोटें आई हैं। उसे ठीक घायल अवस्था में तत्काल यहाँ से भेजा गया मेडिकल कॉलेज, जहाँ से रेफर करके उसे अभी मतलब SGPGI और बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। संदीप नाम का गनर बताया जा रहा है जिसने कि फायर किया है। अभी यहाँ पूरी तरह शांति व्यवस्था है और अभी तहरीर लेके आगे की जो भी कार्रवाई है गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जी, एक व्यापारी के घर पर निजी सुरक्षा गार्ड द्वारा गोली चला करके एक बंदे का घायल हो गया है, एक लड़का 16 साल का। अभी उसमें बंदूक जब्त कर ली गई है और जो निजी सुरक्षा गार्ड है वो गायब हो गया है, उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि गफलत में शायद गोली चलाई है। बच्चा शायद जो लड़का है 16-18 साल का, वो शायद एक बॉल लेने के लिए उनके कैंपस में दीवार फांद रहा था और शायद उसको लगा सुरक्षा गार्ड को कोई चोर है तो उसने डराने के लिए चलाई। सुरक्षा गार्ड को पकड़ने पर ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और लड़का खतरे से बाहर है फिलहाल, अभी जो डॉक्टर ने बताया। ये जांच का विषय है। अभी जो उनके गार्ड हैं, उनकी कंपनी में बहुत सारे गार्ड हैं तो उसी में से एक गार्ड का एक इस तरह से हादसा हुआ है, इस तरह से उसने फायर कर दिया है जिससे एक बंदे को गोली लगी।